नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिनको.com में। दोस्तों, आपने हाउसिंग लोन लिया है और आपने कभी ऐसा सोचा है कि मेरे पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो मेरा हाउसिंग लोन का ब्याज, इतना ज़्यादा ब्याज लग रहा है मेरे हाउसिंग लोन में, अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा इसमें जमा कर दूँ तो मेरा ब्याज बच जाए। लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद मेरे को इस पैसे की दोबारा ज़रूरत पड़े, इस कारण से मैं उसको हाउसिंग लोन में नहीं डालता हूँ और उसमें ब्याज लगता रहता है। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन क्या बैंकों के पास है कि मेरा जो एक्सेस फंड है कुछ समय के लिए, जो मेरे को जरूरत नहीं है, उसको मैं हाउसिंग लोन में डाल के अपना इंटरेस्ट बचा सकूं और बाद में इस पैसे का उपयोग, जहां मेरे को उपयोग करना है, वहां कर सकूं। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे इंडिया में बैंकों के पास है। आपके पास एक ऐसा हाउसिंग लोन है जहाँ पे आप अपना एक्सेस फंड कुछ समय के लिए पार्क कर सकते हैं और उस पर ब्याज बचा सकते हैं। मान लिया आपके पास, आपने 50 लाख का हाउसिंग लोन लिया है, आपके पास कुछ समय के लिए 5 लाख रुपए है, मान लिया 5 महीने 6 महीने के लिए, और फिर आपको जो यूज़ करना है, तो 5 महीने के लिए आप उस पैसे को अपने हाउसिंग लोन में जमा कर सकते हैं और आपका ब्याज बच सकता है 5 महीने के लिए 5 लाख पर। तो सोचिए, 5 लाख पर अगर आपका हाउसिंग लोन 9% पे भी है, तो 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए जितना भी आपका, इतना ब्याज बच जाएगा 5 लाख रुपए पे। तो कौन कौन से बैंक इंडिया में ये कर रहे हैं, मैं आपको चार प्रोडक्ट बताऊंगा। चार बैंकों के हैं, दो प्राइवेट एंड दो पब्लिक सेक्टर बैंक, जो ये सुविधा आपको देते हैं कि आप अपना पैसा हाउसिंग लोन में रखकर बचा सकते हैं। पहली बात मैं करूंगा एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है सुपर सेवर होम लोन। तो जो इनका सुपर सेवर होम लोन अकाउंट है, उसमें आप जो भी आपका एक्सेस फंड है उसको हाउसिंग लोन में पार्क कर सकते हैं और जब जरूरत हो उसको निकाल सकते हैं आपकी मर्जी से। जितने समय वो आपके हाउसिंग लोन में रहेगा, उस समय तक आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कराता है कितना आप मनी सेव कर पाएंगे, इंटरेस्ट सेव कर पाएंगे अगर आप कितने समय तक रखते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि हाउ मच यू सेव, यू कैन कैलकुलेट दी अमाउंट ऑल्सो। देन आता है आईसीआईसी बैंक का अकाउंट, ये भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका अकाउंट का नाम है मनी सेवर होम लोन। यहाँ पर आपको क्या है, एक होम लोन से लिंक सेविंग अकाउंट होगा। होम लोन में आपको पैसा नहीं डालना है, होम लोन से लिंक एक सेविंग अकाउंट होगा। अब उस सेविंग में आपका एक्स्ट्रा सैलरी आता है, इतने महीने तक आपका सैलरी रहता है, आपका कोई बोनस आ गया, आपको कोई और फंड मिल गया जो कुछ समय के लिए आपके उस सेविंग अकाउंट में है। जितना भी फंड आपको सेवर अकाउंट में रहेगा, उतने फंड पर आपका हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो फंड आपका सेविंग अकाउंट में है लेकिन आपके हाउसिंग लोन में उस फंड पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आईसीआईसी बैंक यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको ऑफर करता है। इसमें भी आपको एक कैलकुलेट दिया है, कैलकुलेटर आप देख, इस कैलकुलेटर में डिटेल्स डाल के पता कर सकते हैं आप कितना पैसा बचा सकते हैं। अब बात करें अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की, सरकारी बैंकों की, नेशनलाइज बैंक की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करता है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन एडवांटेज। यहाँ पे एडवांटेज आपको मिल रहा है क्योंकि अलग अलग नाम है, जैसा भी आपको ऐसा प्रोडक्ट होगा उसके नाम में सेवर होगा, सेव होगा, एडवांटेज होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको ऑफर करता है बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन एडवांटेज। यहाँ पर भी जैसे आपका आईसीआईसी बैंक में था, इसमें आपका होम लोन से एक लिंक सेविंग अकाउंट होगा। उस लिंक सेविंग अकाउंट पे जो भी एक्सेस फंड आपका रहेगा, उस पोर्शन पे, उस फंड पे आपके होम लोन के अकाउंट में ब्याज नहीं लगेगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट जो इससे लिंक है होम लोन से, उसमें 5 लाख रुपये आपका पड़ा हुआ है कुछ समय के लिए, उतने समय तक 5 लाख रुपये पे होम लोन पे ब्याज नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का। उसके बाद एक और पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, उसमें आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट का नाम है वो यूनियन होम स्मार्ट सेव। स्मार्ट सेव मतलब आप स्मार्टली अपने पैसे को सेव कर रहे हैं। इसमें भी एक्सिस बैंक की तरह है, आपका होम लोन रहेगा। होम लोन में अगर आपको कोई एक्सेस फंड होता है, आप उसको होम लोन में ही जमा कर सकते हैं डायरेक्ट, और जब भी आपको जरूरत हो तो आप होम लोन से विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कितना कर सकते हैं, जैसे आपका रिपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए। मान लिया आपने 50 लाख का लोन लिया है, एज पर योर रिपेमेंट शेड्यूल अभी आपका लोन 45 लाख पे खड़ा होना चाहिए। उसके ऊपर जो भी रहेगा, 3 लाख 2 लाख, वो आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये स्मार्ट सेव का ऑप्शन यूनियन बैंक देता है, ये भी बहुत अच्छा अकाउंट है जिसमें भी आप अपना सेव कर सकते हैं। तो ये चार बैंकों के अकाउंट मैंने आपको बताए, बाकी बैंक्स में भी इस तरीके के अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बैंक हैं उसको मैंने आपको बता दिया जहाँ पे अकाउंट अवेलेबल है। आप इनमें जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। मेन बात आपको बस बैंक से ये पूछनी है, क्या मेरे को इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ रहा है। बैंकों के पास
इसमें एक ऑप्शन ये रहता है कि भी आपको लगता है कि नहीं मैं जो है इसमें ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं रेगुलर होम लोन में, ये भी सुविधा रहती है, जैसे कि यूनियन बैंक ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ भी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप दोबारा स्विच कर सकते हैं नॉर्मल होम लोन पे। नॉर्मली बैंक जो ये स्मार्ट सेव होता है, इसमें कुछ जो रेगुलर होम लोन होता है उससे थोड़ा सा 0.5-0.1% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेते हैं, वो आपको बैंकों से इंक्वायरी करना होगा, अलग अलग बैंक का अलग अलग रहता है। दूसरा इंक्वायरी ये कीजिएगा कि क्या अगर मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाया तो मैं रिवर्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ इसको जनरल होम लोन में, ये आपको जरूर पूछना है। टर्म्स एंड कंडीशन, जब भी आप होम लोन या कोई भी लोन अगर बैंक से लेते हैं तो एक टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज होता है वो जरूर लीजिए और उसको जरूर पढ़िए। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको सैंक्शन करते समय जब भी आपका लोन सैंक्शन होता है आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़िए क्योंकि वो आगे काम आती है। कभी भी बैंक आपको अनऑथराइज कोई डेबिट करता है, कोई चार्ज डेबिट करता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डेबिट करता है, टर्म्स एंड कंडीशन की जो एडवाइस है हमेशा अपने पास रखिए, उसको जरूर पढ़िए। तो फिलहाल आज की जानकारी के लिए इतना ही, जिसमें हमने बताया किस तरीके से आप होम लोन के साथ अपना ब्याज बचा सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कौन सा होम लोन आप लेना चाहेंगे, बचत करना चाहेंगे ब्याज की, तो आपके लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।